तो गुरा ने फरमाया, हे शिष्य, यहाँ पर एक दृष्टांत श्रवण कर। भूत का एक साहूकार ने एक भूत मिल गया, और वो साहूकार ने कहने लग गया, ने बोला साहूकार कहने लग गया उसने, बोला भाई तू के काम कर। तो भूत बोला, भाई तेरी जी करे ना वो करवा दी, सारे काम जानूंगा। तो नहीं बोला तेरी तनखा, तनखा नहीं बोला, तनखा को नहीं अपनी किम्मे भी, अपनी तो एक शर्त है। बोला शर्त? बोला जितना काम होगा ना इतना तो करूंगा काम, और काम समाप्त होने पर करूंगा नुकसान, ये तेरी मर्जी, ले चाल से ना ले काम करवा, जितना काम देगा वो करूंगा, उसके चाल। पाछा जब मैं खाली रहेगा तो मैं करवा, तेरा नुकसान। नुकसान या शरीर मंजूर हो तो दे जा। सौगार ने सोचा, तेरा घर बतेरा काम है, हाँ, देश सारा बिना काम देश है, बिना काम किसका कोली। किसका को? ले गया, ले गया वो भूत ना। जा भाई, बोला मैं ना पानी पियाया, पियाया डंगरा ने नहीं, और छानी चून चान और मिलाया। मतलब बताओ वो अपना मिनटा में कर, छेड़ नहीं और बताओ भाई। हाँ, जितना भी काम बतावा वो तो झटका कर दे, वो तो भूत था। हाँ मिनटा में, सेकंडे दाओ। कई दिन हो गए अपना साहूकार भी तंग हो गया। कितना काम बताऊं इसे, कितने ले हुए काम। समझ दे करा नुकसान करने के पकड़ा करके खड़ा। तो वो गया साधु संतान तो रहे। मैंने बोला, ये महाराज मैंने तो इसी तरह जो एक भूत पाल दिया, और इसी शर्त पर पाल दिया, अरे मत हो रही तंग उस, तो मेरा क्यों करे पेंडा छुटवा। तो महात्मा बोले, न्योला भाई 100 फुट लंबा एक बांस ले आ, और उसको सिरे पर बांध देगा रस्सा, और चोक में दे गाड़, जितना भूत पर काम होना है इतना तो काम ले, और काम समाप्त हो जाए नहीं तो बोला भाई यो रस्सा पकड़ा देने को, इस पर चढ़िया जा उतरिया जा, चाहे वो तवड़ा उतरो और चाहे देर से अच्छा, उस उतरो। बास पे अब बास पे, हाँ इस रास्ते पर को चढ़िया जा उतरिया जा भाई, चाहे वो तवड़ा उतरो और चाहे अपने देर में उतरो, काम शुरू होने दे, फिर कह दे आ जा भाई, ये भूत बादशाह गया। वो के खत्म हो काम, चले चली जा उतरी जा, चली जा उतरी जा, मतलब जा। खत्म ही को नहीं हो गया। हाँ तो ऐसी यो तो था दृष्टांत, अब इसका दृष्टांत श्रवण कर। ऐसी साहूकार रूपी जिज्ञासु है, महात्मा रूपी सतगुरु है, भूत रूपी मन है, चोक रूपी अंतस्करण है, पोल रूपी त्रिदेह है, और रसा रूपी सांस है। जितने काम हो इतना तो इस मन न काम में लगावे, और काम समाप्त हो जाए नहीं फिर परमात्मा का भजन में ला दे, ले आप पे आ गया कड़े गुंजा करी गुंजा नहीं। आप ठाली टेम होंगे और किमे अड़वैद सोचा, हाँ हाँ फलाने का नुकसान कर दिया, हाँ वो वो कर दिया, वो कर हाँ दिया, लेकिन परमात्मा की तरफ अपना ध्यान नहीं कहने लगाया। बोली। तो गुरु न्यू ज्ञान देव भाई, काम हो इतना घर के सारे काम कर, काम कौन छोड़ने होंगे, घने करने पड़ा भगत ने, उसकी जिम्मेवारी होगी, और जिम्मेवारी गृहस्थी की हो, सब तो उत्तम गृहस्थी भक्ति ने बताई गृहस्थी भक्ति, सही बात है, गृहस्थी में सबसे। है काम, और हाँ मोटे फकर फकीर ना के काम है, हाँ वो देगा खाली ना पड़े रे पिपला तो है। तो सबसे उत्तम भक्ति गृहस्थ की बताई है, कि जितने भी हुए सारे गृहस्थी हुए हैं, भगत कौन सा गृहस्थी हो नहीं, और दस राजा गृहस्थी कौन था, राजा जना गृहस्थी था, कबीर दास गृहस्थी था जिन्हें सारा देश गाना लग गया, रविदास गृहस्थी था, खुद श्री रामचंद्र श्राम गृहस्थ थे, सारे गृहस्थी सारे थे, गृहस्थ कृष्ण थे, जी कृष्ण गृहस्थी थे, जी गृहस्थ एक आता से मेरे वर्ग का कोई नहीं पाया गया, वो आपके सन्यासी हो गया। होएगा ना, हनुमान प्रकार रह गया, अब वो उम्र सेवा में लागे रहा, वो वो बेचारा बस नुवे फुर्सत कौन हाँ करी। भाई साधु संता की सेवा। तो भक्ति का मार्ग उत्तम है, न्यू बताया साधु संता ने, बाग बिगाड़िया बांदरा, सभा बिगाड़ी कूर, और भक्ति बिगाड़ी पाखंडिया, केसर रल रही नूर। कि पाखंड रच रच के उसने बदनाम कर करके अपना उसका नाम बेच रखा। उसका नाम शिवजी डाला पा माले मूर्ति धरनी हाँ आप आड़े
करा तो ज्ञान की बात है, हाँ ये देखनी इसके पीठ के पीछा पाउर की में चलाए जावा। हाँ अबे हम ये लोग ज्ञान तो इन्हें पर लिया है यो, और इस ज्ञान ना अपने न्यू एक चूड़ी की दुकान खोल दी गई। मैं जो जानू जानू के सही कहे, उनसे ढावान मार दिया और की में चूड़ी। हाँ वो तो गलत थी। तो ये चढ़ावा ये पड़े जेल में और ये मोटे ये पड़े आसाराम बरगे आसाराम अरियो के राम था राम रही में राम रही में। हाँ दे गुल्ले सा किचने बढ़िया प्रणाली थी सो मस्ताना की रोर है आराज नबद नाम गुरु कुर्बान दे आज अरियो संत रामपाल दो है तो सुनाओ कबीर के, हाँ और आप खुद जेल में पड़े खुद हो, जेल में फिर के फायदा है इस भक्ति का। उसने कवर दान तिलावा भक्तां गए। अब भक्ता को अदालत ना हो जाओ, जो सच्चा भगत होना है उस दिन में हाँ सुसरा यो विषय पर का होगा। उनका और पाप चढ़ावा क्यों उन सारा ना किसी ने दिखावा कौन करा। कबीर घर रचा भंडारा वो बिलनी के बेवर खावणिया सत्संग दंगंग की धार कोई ना होगा ना होगा। कबीर दास का भंडारा रच दिया ब्राह्मण अच्छा बनिया ने यो वो किसा चढ़ावा खोल दिया करता किमें भी कोई ज्ञान चर्चा हुई बस कोई रुपया 2 रुपया चढ़ाता भाई प्रसाद बांट दी तो वो सोचे इतना जो भगत को आवे देखांगे भाई इसका परमात्मा की सहायता देखांगे कि परमात्मा भी कुछ सहायता करेगा इसकी। उसकी झूठी चिट्ठी फाड़ दी कबीरदास ने चिट्ठी किस तरह भंडारे की है? अब फलानी तारक का भंडारा है कबीर का अच्छा, झूठी अफवाह फैला दी कबीर ने मेरा को लेके। कबीर ने बेराए को झूठी चिट्ठी पाड़ दी हाँ पोगा भाई ना दिन 14 का ईस्वी लिखी एक शब्द में आवे है गुरु तारे बिना कौन बंदावा धीरे। कबीर तो रविया लिया वो चिट्ठी तो ना पढ़ी फिर बोला तेरा के लिए पढ़न दे अपना के लिए है आगदा आप सब वाला कोई पढ़ेगा वो के सही बात कबीर अपना भंडारा लग दी ने भगत है उठ के ने अपने दाबड़िया बहुत बिठा में तेरा है। बोला के जोड़ रहा कटा था चक्कर काम अच्छा गांव चक्कर हाँ काटता है ना यार, कबीर अपने बोल रहा मैं। भंडारा खाली ये काटे जाए चक्कर तो कृष्ण जी ने सोची वो तो गया भाई के कृष्ण जी आप बड़े करे भंडार जी कृष्ण दिया भंडारा आओ भाई सारे जितने भी आवे सोना का बर्तन सत पकवान भोजन चांदी का गिलास और चांदी का रुपया खाओ भोजन और थाली गिलास आपके घर आए मत जो ले खुद ही रखो इन भी। हाँ ये जाएगी तारे हैं भाई, तारे और गिला रुपया भी तारा ही ले जाओ इसके साथ आ जाए भाई और वह जय हो कबीर की जय हो कबीर की जाओ रुके मार दे कबीर और कबीर पसरिया और इस तरह बोझ टाइम बोल रहा बोल रहा। तो मेरे वर्गा पेशाब करने लग गया। उन्हें देखे वो जो मान सा बैठा यही सोया करते इसमें बड़ी जल्दी बोले बोले तब तो उरे मरता पड़े वो देख बोले बेटी जो कबीर का भंडारा जाके देख पिछला बेटी जो जय हो कबीर की है दया तो कृष्ण की उसकी मिली नजर में नजर निवलाई बाया उड़े खेच दे सावड़े जाई बोलिया ये तो तो भक्ता के न्यू और उखाड़े भगवान भक्ता के बस में न्यू हो भगवान सदा भगत के बस में कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा में नीर पछे पछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर न्यूला और मांग ले कि मैं न्यूला तो तेरा दोहरे रह गए ये बिन मांगे मोती मिले मांगी मिले ना भीख संत के तो परमात्मा का एक बार ऑर्डर मड़ा अभी न्यू पूछ गया नहीं उसे टाइम तो आ ली वस्तु जो भी कह दिया वो कह दिया। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप और जहाँ के हृदय साच है वहां के हृदय गुरु आप झूठ तो बोल रहे नहीं चाहिए फांसी टूटी जाओ अजी दे क्या करे झूठे की कौन बावड़े भूखे की बावड़े। हाँ भूखा की तो बेरा है परमात्मा ने वो बेचारा मेहनत कर रहा है भूखा आदमी है फिर भी कर्ज की सहायता भगवान को सुने है।
और झूठा नुगरा नुगरा और झूठा बराबर हो नुगरा झूठा नहीं है। लक्ष्मी चंद कह गया था नुगरा चल रहा धरती आता हर हाँ इंसान डरे उसका और के और ज्यादा के खुद ज्यादा जिक्र करो जो खुद भगवान है। भगवान डरे उसका। सही बात, ठीक है फिर आज।